अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आज की वीडियो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सऊदी अरब गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी तलबा के लिए तकरीबन 700 के करीब स्कॉलरशिप्स का अनाउंसमेंट की गई है और ये खबर तकरीबन सभी जो वीजो के स्टूडेंट्स उनको ईमेल के जरिए भेजी गई। इसकी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और इसकी मजीद तफसीलात क्या है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे, और अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, रोजाना के आपको जो वीजू की तरफ से एक ईमेल मिला हुआ है वो लाजमी अपने मोबाइल में लगाएं और उस पर जितने भी मेल्स आती हैं वो लाजमी आप देखें। तो कल ही यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल एक आई है, तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस करूं और उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं स्कॉलरशिप के हवाले से वो आपके साथ शेयर कर दी जाएं। तो अगर आपने अभी तक अपनी वीजू ईमेल नहीं लगाई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर यहाँ पे जैसे मैंने अभी यहाँ पे सर्च बॉक्स में वीजू ईमेल लिखा है वो आप लिखेंगे तो यहाँ पे देख लेंगे कोई 7 से 8 आपको मिल जाएंगी ईमेल्स। आप इस तरीके से वीयू की ईमेल जो स्टूडेंट को बना के दी जाती है वो आप यहाँ पे लगा लीजिएगा अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, और जो भी इस तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास उसका फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ईमेल आई है कल उसमें क्या तफसीलात हैं। ये मैंने लेटर ओपन किया हुआ है, ये आपको एक मेल आई होगी और मेल में ये एक लेटर है हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC जो पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कमीशन है उसकी तरफ से एक अनाउंसमेंट है और फिर उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने उसको आगे तभी सभी स्टूडेंट्स को भेजी है। अब हम पढ़ लेते हैं इसको पूरी डिटेल से। 27 दिसंबर 2023 को ये बनी है ईमेल आई भेजी गई है, यानी आज 28 है, मैं अगले ही दिन आपके साथ बना रहा हूँ। ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट डायरेक्टर ग्लोबल इंगेजमेंट, सब्जेक्ट क्या है? स्टडी इन सऊदी अरबिया। सऊदी अरब में स्टडी के हवाले से उन्होंने सब्जेक्ट है रेफरेंस टू इनवाइटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग कम्युनिक्यू नंबर 11/2022। ये जो भी डेट है इसकी, और वो 11 दिसंबर को ये वहाँ पे इनिशिएटिव हुआ इस मैटर का, और फिर उन्होंने आगे ईमेल लिखी है। डिटेल जब HEC के पास आ गई तो फिर उन्होंने आगे स्टूडेंट को भेजी सारी की सारी। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, आपकी ईमेल के अंदर भी ये लेटर अटैच्ड है और आप इसको पढ़ सकते हैं। सेकंड जो इसका नंबर है वो है द गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया हैज अनाउंस 700 स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। दोज इंटरेस्टेड कैन अप्लाई थ्रू द स्टडी इन सऊदी डिजिटल पोर्टल, उनका एक डिजिटल पोर्टल है यानी वेबसाइट है और यहाँ पे उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, विच प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर सेल्फ फाइनेंस पार्शली फंडेड एंड फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। इसमें 3 कैटेगरीज हैं, आप जिसमें भी चाहेंगे अप्लाई हो जाएगा और जो भी फिर आपका किस्मत हुआ वो आपको मिल जाएगा, और उसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो करवाए जाएंगे। दिस प्रेजेंट्स अ वैल्यू अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू परस्यू देयर स्टडीज इन अ फील्ड ऑफ देयर चॉइस। अब चॉइस जो भी अवेलेबल होगी वो मजीद आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं किस किस में अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है द फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल एट पाकिस्तानी मिशन वेबसाइट pakistaninksa.com/education/ वी इनकर्ज यू टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर सर्कुलेशन अमंग स्टूडेंट्स। अब ये मालूमात आ गई और सारा कुछ हो गया, और ये तभी सभी यूनिवर्सिटीज के जितने भी सेक्टर्स हैं पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के उनको भेजी गई हैं। अब आ जाएं जरा मजीद इसकी तफसील के ऊपर। स्टडी इन किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया आई एम डायरेक्टर टू रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यू ओ नंबर ये उनका लेटर नंबर होता है डेटेड 4 दिसंबर 2023 ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव फॉर इंफॉर्मेशन एंड फर्दर नेसेसरी एक्शन अंडर इंटीमेशन टू दिस मिनिस्ट्री एज अबव। अब जो इंक्लूजन थी वो ये लेटर साथ उन्होंने दिया हुआ है कि जो लेटर सऊदी गवर्नमेंट ने लिखा पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने फिर आगे फिर पाकिस्तानी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग है उन्होंने लिखा आगे यूनिवर्सिटीज को, ठीक है। अब ये दोनों जो पेजेस हैं एक ही तरह के हैं, और मजीद उन्होंने आगे से आगे जैसे अटैचमेंट होती है कि एक डिपार्टमेंट ने दूसरे को भेजा, दूसरे ने तीसरे को भेजा, इस तरह है। यहाँ पे आप देख लेते हैं मजीद थोड़ा सा। आवर मिशन इन रियाज हैज कन्वेड दैट द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ये लेटर लिखा है जो सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर होते हैं उन्होंने लिखा है फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, एंड ऑफर्ड 600 स्कॉलरशिप टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, नाउ दीज स्कॉलरशिप हैव बीन इंक्रीज टू 700। मजीद यानी 600 थी फिर उसको बढ़ा के 700 कर दिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट कैन अवेल दी स्कॉलरशिप बाई अप्लाइंग
थ्रू सऊदी स्टडी इन सऊदी, ये उनका एक डिजिटल वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। दीज पोर्टल प्रोवाइड इन वन विंडो कम्प्रीहेंसिव गेटवे टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई एंड प्रोसेस एप्लीकेशंस फॉर स्टडी इन द किंगडम। थ्री बोर्ड ऑप्शंस, थ्री ब्रॉड ऑप्शंस आर गिवन ऑन द पोर्टल फॉर स्टडी इन किंगडम, आई self-financed, partial scholarships, and full scholarships. Students can apply for their desired degree, which includes among almost all disciplines except medical science. Medical के अलावा तकरीबन सभी के सभी disciplines शामिल हैं इसमें. The details of scholarship are given on our mission's website. ये यहाँ पे link दिया हुआ है वेबसाइट का, in both Urdu and English language. A link of the study in Saudi is also given on our mission's website. It may please be noted that the aforementioned scholarships are merit based and our mission in Riyadh or the Ministry of Foreign Affairs has no role in providing scholarship. In total merit ke upar banegi aapki ye scholarship agar aap apply karte hain. Fir unhone ye letter bhej diya ji Pakistan mein se letter aaya Ministry of Education ki taraf, Ministry of Foreign Affairs, unhone fir HEC ko bheja aur HEC ne aage ye information aage student ko bhejna shuru kar di. To ye tarika kar hota hai. Ab aaj sabse pehle hum pehle link ko khol, is link ke upar jo Saudi in studyinsaudi.moe.gov.sa इसके ऊपर आपने सबसे पहले अपना बनाना है पोर्टल. हम जरा पे लेख ओपन करके देख लेते हैं. मैं ये पोर्टल बना चुका हूँ. मैं आपको बता देता हूँ कि होना क्या है. ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको अपने क्लिक करना है. अच्छा, यहाँ पे लॉगिन आ रहा है. ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले क्रिएट अ न्यू अकाउंट मैंने बनाया हुआ अकाउंट. अब यहाँ पे आपने अदर कर लेना है. ठीक है, अदर में आपने ईमेल लिख लेना है अपना. नेशनलिटी जाहिर है पाकिस्तानी आ जाएगी, वो आप यहाँ पे दे देंगे. उसके बाद विजुअल कोड्स ये जैसे है ना वैसे लिखने हैं. यानी कि वो कहते हैं कि द विजुअल कोड्स लेटर आर केस सेंसिटिव. वैसे नहीं कि आप हमारे स्मॉल में लिख दें या कैपिटल में लिख दें, तो जैसे हैं वैसे. यानी टू है, उसके बाद बी कैपिटल है, एच, फिर उसके बाद फाइव है. इसके बाद आपने क्या करना, ये सारी चीजें लिख देंगे. मैं कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने. ठीक है, पाकिस्तान के बाद आपने विजुअल कोड ऐसे लिखा है, टू, उसके बाद बी है, उसके बाद एच है, उसके बाद फाइव है. ऐसे करके आपने नेक्स्ट करना है. विजुअल कोड नहीं लिखा, टी एच के और जे, ये गलत हो गया. टी एच के जे इस तरह लिखा हुआ है. अच्छा जी, ये आ गया. उसके बाद क्या है, अरबिक नेम आप इसको छोड़ देंगे, आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिख लें. और इसके बाद हम लिख लेते हैं अली, ये फर्स्ट करके मैं बना रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है जी, मेल, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है और बिल्कुल अपनी सही मालूमात देनी है, ऐसा ना हो गलत मालूमात, क्योंकि जब एडमिशन होगा अल्लाह करे तो फिर ये सारी वेरीफाइड होनी है और कुछ गलत निकल आया तो फिर आपकी जो है ना वो आपके ऊपर ही सारा. अब यहाँ पे अपने मोबाइल कैसे लिखना है, मोबाइल नंबर आपने 0092 आगे अपना पूरा कोड लिखेंगे. ठीक है जी, यहाँ पे पहुंच गए. उसके बाद आपने ये अपने चूज कर लेना ईमेल, ईमेल आप चूज करेंगे ताकि वेरिफिकेशन कोड उसके ऊपर आ जाए. और ये सेंड हो गया, अपने ईमेल को अब चेक किया जाएगा और ईमेल के अंदर जो पासवर्ड होगा वो लगा लीजिएगा और फिर उसको आपने कर देना सेव. सेव करने के बाद अब यहाँ पे वो सारा कुछ हो गया, वो कहता है रीडायरेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया कि, यानी कि आपने एक दफा डाटा डाल दिया है सारा. अब देखते हैं ये होता है रीडायरेक्ट. अब हम करेंगे लॉग इन. ठीक है, यानी इनकी जो आपने अकाउंट बनाना है वो एक अलग प्रोसेस है और उसके बाद फिर लॉगिन. अब यहाँ पे ये आ जाता है अरबी में. ठीक है, ये लिख दीजिएगा, ये यहाँ पे आपका ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा और यहाँ पे ये कोड आएगा. उसके बाद हम करेंगे साइन इन. तो आप देखेंगे कि हमने जो भी पीछे प्रोसेस किया उसमें हमने पासवर्ड नहीं रखा था. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं इसको क्लिक करके. और यहाँ पे ये है पासवर्ड रिकवर करने के लिए, ईमेल लिखेंगे अपना और ये लेटर लिखेंगे सेम एज जैसे जैसे बड़े हैं वैसे. डेट ऑफ बर्थ जो आपने लिखी थी वही, गलती नहीं करनी. पासवर्ड रीसेट करते हुए अब जो कहता है रीसेट पासवर्ड किस पे ऊपर है, ईमेल के ऊपर. ईमेल के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे और सेंड कर देंगे तो लिंक चला जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर. ये देख लें कि बड़ा एहतियात के साथ ये सारा कुछ करने वाला है. अच्छा, यहाँ पे ना आपने जब आप करेंगे उसका, एक दफा आपका लिंक चला जाएगा. मैं यहाँ से थोड़ा सा बैक करता हूँ, ये हम इसको रीसेट नहीं करते. जब आपने वेरिफिकेशन सेंड कर लेंगे एक दफा पिछले प्रोसेस में जो आपने देखा है, तो एक लिंक चला जाएगा आपकी ईमेल के ऊपर. पासवर्ड आपने अपनी ईमेल के अंदर जाके सेट करना है और फिर उस पासवर्ड को आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, बजाय कि आप रीसेट करें. तो हम रीसेट को करते ही नहीं है पासवर्ड को. ठीक है जी, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया,
हम इसको ख़त्म कर देते हैं और फिर वापस आते हैं इस वेबसाइट के ऊपर और फिर हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं। अब आपको पता है कि ईमेल तो आपने जो लगाई थी वो आपको याद है और पासवर्ड आपने जब ईमेल में लिंक चला गया आपके वेरिफिकेशन का, तो आपने फिर उसके अंदर जाके कर लेना है। अभी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ और फिर उसके बाद ये जैसे है वैसे ही लिखिएगा, तो ये हो गया आपका लॉगिन। ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो रहा है, क्लिक करेंगे और जो प्राइवेसी स्टेटमेंट है लेकिन एग्री नहीं हो रहा, तो इसका क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा एक दफा। अब जो सारी टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे आ जाएंगी और उसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। अब जैसे ही वो रीड कर लेंगे आप, तो यहाँ पे एग्री हो जाएगा। अब ये हो गया, आपकी सारी मालूमात है और फिर अब आपने ये डाटा फिल करना है और तसल्ली के साथ जिस प्रोग्राम में आप जाएंगे अप्लाई हो जाएगा। और मजीद जो डिटेल है वो इस वेबसाइट के ऊपर है, पाकिस्तान एंड कैसे KSA.com/education, इसके ऊपर आपकी मालूमात है। तो पहले आपने अकाउंट बनाने के वक्त से पहले, और आपने इस वेबसाइट को, एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है सऊदी अरब में, तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पूरी डिटेल के साथ आपने हर चीज़ को तसल्ली के साथ बैठ के चेक करना है। और इस जो लेटर डाउनलोड हुआ है वो आपने प्राइवेसी ये भी पढ़ लेना है आपने, जो इनकी स्टडी इन सऊदी की वेबसाइट के ऊपर है, ताकि आपको हर चीज का मालूमात हो। फिर आपने प्रॉपरली तसल्ली के साथ बैठ के अप्लाई करना है, वो आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। मैंने आप तक की मालूमात पहुंचा दी है, पोर्टल बनाने का तरीका बता दिया है, मुश्किल नहीं है। और पोर्टल बनाने के लिए आप इस ईमेल इस्तेमाल कीजिएगा पासवर्ड रिकवरी के लिए, और ना के मोबाइल। ठीक है, तो बाकी आप ये वेबसाइट है और इसमें आप सारी की सारी चेक कर सकते हैं, मालूमात है आपकी, तो पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे आती जाएगी। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आप अप्लाई कर लेंगे। ये दोनों लिंक आपको मिल जाते हैं वीडियो की लिंक में, और अप्लाई कर लीजिए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कुछ भी आपको देखना हो इस तरह की जो भी मालूमात है वो आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं ख्याल रखिएगा। अल्लाह।